हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दियो किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ दोस्तों परवल के पकोड़े। आप देख सकते हैं इस रेसिपी को बनाए इजी तरीके से घर पे। दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं दोस्तों परवल के पकोड़े। बनाने के लिए यहाँ पे परवल को छोटे छोटे बारीक से काट लीजिए और 2 से 3 प्याज को पतले से मैंने बारीक से काट ली है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और आलू को छील के बढ़िया तरह से छोटे छोटे भाग में काट लिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। और 4 से 5 मिर्ची ले लीजिए दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए। ये रेसिपी जरूर घर पे ट्राई कीजिए, ये पकोड़े बहुत स्वादिष्ट बनते हैं दोस्तों जी। और अब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरा ले लिया है। इस कटोरे में मैं आप सब सारा कुछ मिला लूंगी। आप देख सकते हैं पहले मैं यहाँ पर जो मैंने परवल को काट के रखे थे बारीक कटा हुआ उसको अच्छी तरह से धो लिए, इसमें डाल लेती हूँ। और अब जो मैंने प्याज आलू और मिर्ची काट के रखे थे बारीक कटे के उसको अच्छी तरह से धो लिए हैं और इसमें डाल ली हूँ। आप देख सकते हैं 1/2 कटोरा मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसमें मैं 1/2 चम्मच हल्दी ले लूंगी, हल्दी का पाउडर ले लीजिए। और स्वाद अनुसार आप यहाँ पे नमक डाल दीजिए दोस्तों, 1 चम्मच नमक डाल सकते हैं आप यहाँ पर छोटी चम्मच से। और मैं अजमेरी इसमें थोड़ी सी हल्की सी अजमेरी डाल ली हूँ जो कि बेहतरीन स्वाद देते हैं पकोड़े का। और मैं साइड में आप कढ़ाई को गर्म कर लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा हल्का सा 2 चम्मच बड़े चम्मच से आप तेल डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल यूज किया है इसमें और गर्म होने देती हूँ। गर्म होने तक मैं तब तक इसे जो मैंने ले लिए थे उसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, देख सकते हैं आप। अब मैं मेरे गर्म हो चुके हैं, अब मैं पकौड़े को इसमें डाल देती हूँ छोटे छोटे करके। आप डाल दीजिए इसमें थोड़े थोड़े लेके हाथ में, मैं ऐसे करके थोड़े थोड़े करके इसमें ले ली हूँ और डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सारे डाल दिए हैं। अब देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े लाल हो जाएंगे हल्के से, तो इस साइड दोनों साइड होने चाहिए। तो मैं पलट ली हूँ, एक साइड मैंने पलट लिया है क्योंकि उस साइड मेरा हो चुका है थोड़ा हल्का सा लाल। अभी दूसरी साइड भी लाल होने दूंगी, थोड़ी देर के लिए होने दीजिए। देख सकते हैं आप दोनों साइड हो गए। अब मैं इसे निकाल लूंगी बढ़िया तरह से तेल को हटा के थोड़ा सा। अब देख सकते हैं मैंने सारे निकाल लिए बढ़िया तरह से, देखिए ये गर्मा गर्म पकौड़े। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दियो किचन, और ये घर पर जरूर बनाएं परवल के पकोड़े, स्वादिष्ट खाने में मजेदार बनेंगे दोस्तों। थैंक यू, बाय।